हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ पटेल दीक्षिता, अश्वमेघ विद्यालय, किल्ला पार्डी। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट साइंस यूनिट नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फ्रेंड्स एंड फोर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मींस बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स एनिमल एंड प्लांट, बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स माइक्रो मीन्स जो माइक्रो साइज के हैं वो ऑर्गेनिज्म्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स बोलते हैं, जिसकी हमने डेफिनेशन देखी थी कि जिसे हम नॉर्मली कैन नॉट सी मीन्स हम नॉर्मली नहीं देख सकते उसे क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। फ्रेंड एंड फो मीन्स एनिमी। ओके, वी आर डिस्कस अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एवरीवेयर प्रेजेंट। ओके, इनसाइड अ बॉडी, हमारे बॉडी में भी वो प्रेजेंट है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव 5 टाइप्स, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजुआ, एल्गी एंड फंगी। ओके, then we are discuss about all microorganisms like bacteria जो कि single cell है और unicellular है, जो कि colonies में रहते हैं, और वो कौन कौन से shape में होते हैं, spherical means round, rod and spiral। आप यहाँ पे देख सकते हो bacteria के अलग अलग shape दिखाए हैं। then second one is वायरस। ओके, वायरस यहाँ पे दिखा है। वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोनिजम्स, वो अदर माइक्रोनिजम्स से अलग है। द रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, वो होस्ट ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके, लाइक प्लांट एंड एनिमल और बैक्टीरिया, वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। देन वी आर डिस्कस अबाउट प्रोटोजोआ लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम। प्रोटोजोआ डिपेंड्स ऑन सम ऑन एस मीन्स वो पैरासाइट है और हिटरोट्रॉपिक है। वो मोस्टली एक्वेटिक मीन्स वो वाटर में रहते हैं। then we are discuss about algae, okay, like chlamydomonas and spirogyra। chlamydomonas जो है वो colonial है and spirogyra जो है filamental, मतलब कि एक ही filament है। then we are discuss about fungi, fungi like mold, yeast, okay, bread mold, yeast, penicillium and asparagus, okay। फंगी हैव नॉट क्लोरोफिल, फंगी जो है वो क्रीमी वाइट कलर की होती है, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। एंड सेप्रोफाइटिक मीन्स वो डेड सेल पे डिपेंड करती है। एंड पैरासाइटिक मीन्स वो लिविंग ऑन होस्ट, वो दूसरे होस्ट पे लिव करती है। ओके, नाउ टुडे वी आर डिस्कस अबाउट वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो कहाँ पे रहते हैं। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे बी सिंगल कॉल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजुआ। जैसे हमने डिस्कस किया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है लाइक बैक्टीरिया, सम बैक्टीरियाज जो है वो सिंगल रहते हैं, एंड सम एल्गी लाइक स्पाइरोगाइरा, ओके, वो सिंगल रहती, एंड प्रोटोजोआ अमीबा एंड पैरामीशियम, ये प्रोटोजोआ है तो वो क्या है, सिंगल और मल्टीसेल्युलर है। सच एज मैनी एल्गी एंड फंगाई, मल्टीसेल्युलर सच एज मैनी एल्गी एंड फंगाई। सपोज क्लैमिडोमोनास, क्लैमिडोमोनास जो है वो एंड फंगाई, फंगाई में जो है मॉल्ड है वो मॉल्ड है, फिर पेनिसिलियम है, ये सब क्या है, फंजाई है, तो ये फंजाई जो है वो सिंगल सेल
मीन्स कि यूनिसेल्युलर नहीं है, वो मल्टीसेल्युलर है. ओके, दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो आइस कोल्ड क्लाइमेट, क्लाइमेट मीन्स वॉट, क्लाइमेट मीन जलवायु. ओके, तो ठंडी जो जलवायु है वहाँ से लेके हॉट स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स मीन्स झरने. ओके, तो वो हॉट वाटरफॉल जो होता है उसमें भी पाए जाते हैं. एंड डिजर्ट टू मार्सली लैंड, वो जिसे हम सब बोलते हैं, तो उसमें भी वो मार्सली लैंड में भी पाए जाते हैं. दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन. वो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इनसाइड द बॉडी, वो इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड इंक्लूड ह्यूमन, ह्यूमन एंड एनिमल्स की बॉडी में भी पाए जाते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि वो दूसरे एनिमल्स पे या दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे भी लीव मीन्स ग्रो करते हैं, अदरवाइज एग्जिट फ्रीली, नहीं तो वो ग्रो नहीं कर पाते, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, वो ऐसे ही एग्जिट फ्रीली मीन्स स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं. नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस. ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ओवर लाइफ्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारे लिए हानिकारक है और अनेक मीन्स बहुत सारी बीमारियों का कारण है. ओके, सम ऑफ देम आर बेनिफिकल इन मैनी वेज, वेरियस सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिसीज. वो कोई कोई बैक्टीरिया जो है, कोई कोई माइक्रोनिजम्स जो है वो हमारे लिए बेनिफिटिकल मीन्स हमें बेनिफिट करते हैं, एंड अदर जो है वो हार्मफुल एंड कॉज डिसीज, वो हमारे लिए हार्मफुल मीन्स हानिकारक है और रोग बनने का कारण है. लेट स्टडी अबाउट देम इन डिटेल, हम उस उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. ओके, सो नाउ वी आर डिस्कस अबाउट फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जो माइक्रोनिजम्स हमारे लिए हेल्पफुल है, बेनिफिट ओके, हमें जो बेनिफिट करते हैं, बेनिफिशियल, तो वो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पस. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो अलग अलग पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं. दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक. हम ब्रेड बनाते हैं, कर्ड मीन्स दही बनाते हैं, और केक तो हम सबका फेवरेट होता है. ओके, तो केक, कर्ड एंड ब्रेड के प्रिपरेशन में हम किसे यूज़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ब्रेड, केक और दही बनाने के लिए तो मीन्स कर्ड, ब्रेड एंड केक बनाने के लिए तो हेल्पफुल है ही, लेकिन बहुत सालों से अल्कोहल बनाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है. दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट का क्लीनिंग करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनका यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड फिशेस. ओके, तो वेजिटेबल्स पील्स जो है रिमेन्स ऑफ एनिमल के रिमेन्स है, और फिशेस उनके क्लीनिंग के लिए ये सब जो वेस्ट है उनका क्लीनिंग और उनका डाइजेशन करने के लिए हमें क्या यूज़ होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स.
आर ब्रोकन डाउन इंटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। ये सब जो वेस्ट है उनको ब्रोक करता है, उसे तोड़ता है और उसे हार्मलेस बनाता है एंड यूजेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। कौन? बैक्टीरिया। ओके, रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। सम बैक्टीरिया आर यूज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिंस। ओके, मेडिसिंस के प्रिपरेशन में भी बैक्टीरिया यूज होते हैं। इन एग्रीकल्चरल दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। जैसे कि हमने स्टैंडर्ड 7 में देखा कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन की फिक्सिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो वो एग्रीकल्चरल यूज में भी इम्पोर्टेंट है, वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्सिंग करके सॉइल की फर्टिलिटी जो है उसे बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। ओके, सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में वी आर डिस्कस अबाउट मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। ब्रेड और कर्ड मीन्स दही का कैसे मेकिंग मीन्स कैसे बनता है वो हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमें कैसे फ्रेंडली हमें कैसे यूजफुल है। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।